देख लिया। पहले देखिए, जैसा मैंने कहा समय समय की बात है, पहले सपने में भी किसी को पति के रूप में देख लेते थे तो उसी से विवाह करते थे। तो उन्होंने सपने में अनिरुद्ध को पति के रूप में देखा। अब एक बात बताइए, हम सब साधारण जीव है, संसार में रहते हैं। अगर हमें कोई पसंद आता है, शादी करने की इच्छा है, दोनों की बातें हो गई, दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया, दोनों को शादी करनी है, अब अगला स्टेप क्या होगा आपका बताइए? माता पिता को बताएंगे कि भैया ऐसी ऐसी बात है, हमको कोई पसंद है, उससे शादी करनी है ना? फिर माता पिता को जचेगा तो वो दोनों बात करेंगे। हर कोई यही करेगा, पर ये हम साधारण लोग करते हैं। उषा किसकी बेटी है? दैत्य की। थोड़ी हरकतें तो आएंगी। उसने रात को सपने में अनिरुद्ध को पति के रूप में देखा, रात तो रात उठा कर ले आए, अपहरण कर लेकर आ जाते अनिरुद्ध जी का। अब भगवान को पता चलता है, भगवान तो बहू स्वीकार है, भेज दो दोनों को, पर बाणासुर को तो हाथों से मुक्त होना है। उसने कहा नहीं, आओ युद्ध करो और ले जाओ। भगवान आते हैं, युद्ध आरंभ होता है। युद्ध में पहला तीर ही भगवान चलाते हैं, वो पहले तीर से ही वो 1000 हाथों से मुक्त हो जाता है। दूसरा तीर भगवान चलाए इससे पहले महादेव जी बीच में आ जाते हैं। महादेव जी कहते जो करना था हो गया, अब आप बेटी दो और आप बहू ले जाओ, मैं भगवान के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता। तो बाणासुर को भी तो यही करना था, उसने युद्ध वहीं रोक दिया और भगवान अपने पौत्र और पौत्र वधू को अपने साथ लेकर जाते हैं। इस प्रकार भगवान का भी अब परिवार बढ़ रहा है। यहां पर पांडवों ने एक मायावी महल बनवाया, बहुत सुंदर। तो उन्होंने अपने भाइयों को बुलाया, क्या कर देखो हमने इतना सुंदर महल बनाया है। सब आते हैं, क्योंकि मायावी महल था। दुर्योधन को समझने में थोड़ा समय लग गया, ठोकर लगती है, वो गिर जाते हैं। सामने से द्रौपदी जी जा रही थी। द्रौपदी जी ने सोचा थोड़ा हंसी मजाक करते हैं। द्रौपदी जी ने मजाक मजाक में कह दिया, वही बात मैंने कल कही ना, कई बार मजाक करने में और किसी को ठेस पहुंचाने में इनके बीच एक पतली सी लाइन होती है जो हमें दिखती नहीं है और हम उसको पार कर देते हैं। द्रौपदी जी ने कह दिया, अंधे का पुत्र अंधा। उसी दिन महाभारत का बीज रोपण हो गया था। दुर्योधन वापस आते हैं, अपने मामा के पास आते हैं। मामा से कहा मुझे उस द्रौपदी से बदला लेना है। मामा ने कहा धृतक्रीड़ा का खेल करेंगे, जिससे बदला लेना है, जैसा बदला लेना है ले लेना, पासे मेरे वश में है। खेल आरंभ होता है, बीच सभा में खेल हो रहा है। अब पासे क्योंकि मामा के वश में है, धीरे धीरे पांडव अपना सब कुछ हार गए, धन दौलत राज्य सब कुछ। अंत में अब वो कहते कि अब दाव पे लगाने को कुछ नहीं है, अब कहां खेले। गौरव कहते ऐसे कैसे नहीं है, अभी तो द्रौपदी बची है, उसको दाव पे लगाओ। पहले सबको बड़ा क्रोध आता है, सब कह रही है क्या बात है, लेकिन फिर द्रौपदी जी को दाव पे लगा देते हैं, हार जाते हैं। उस समय द्रौपदी जी रजस्वला अवस्था में थी, उस समय वो कमरे से बाहर नहीं आती थी कुछ दिनों तक। और क्योंकि कमरे से बाहर नहीं आना है तो वो उन वस्त्रों में भी नहीं है, अंदर आराम कर रही है। दुर्योधन ने दुशासन से कहा उसके केश पकड़कर खींचते हुए लेकर आना। जाते हैं, द्रौपदी जी के केशों को पकड़ते हैं और खींचते हुए लेकर आ रहे हैं। वो बार बार कह रही है मुझे ऐसे बाहर मत लेकर जाओ, बाहर गुरु बैठे हैं, राजा बैठे हैं, बड़े बड़े लोग बैठे हैं। खींचते हुए लेकर आते हैं, बीच सभा में पटकते हैं। दुर्योधन कहते हैं इसको निर्वस्त्र किया जाए, इतना अपमान नारियों का उस समय तक दैत्यों की भी सभा में नहीं हुआ था। किसी राक्षस ने भी उस समय नारी का इतना अपमान नहीं किया था जितना यहां पर राजा महाराजा कर रहे थे। कहते हैं हमारे धर्म में तो हमने तो बचपन से या जब से जन्म लिया है यहां पर जितने, हमने हमेशा से नारी के सम्मान में महाभारत होती देखी है।
ये मोमबत्ती लेकर चलना पता नहीं कौन सिखा गया, वरना हमने तो नारी के सम्मान के लिए महाभारत कर दी थी, सिर्फ नारी के सम्मान के लिए। तो महाराज खूब रोती है, वो साड़ी खींचने लगते हैं, सबको पुकार रही है, कोई तो मेरी सहायता करो, सब देख रहे हो बैठकर, कोई सहायता नहीं करता। साड़ी खींचने लगते हैं, कुछ देर तक तो अपने मुख में साड़ी को पकड़ कर रखती है, कितनी देर पकड़ेगी, दुशासन कितने शक्तिशाली है। जब हार जाती है तब दोनों हाथ ऊपर उठाती है, हे परम पिता परमेश्वर मेरी रक्षा करो, हे द्वारिका के नाथ मेरी रक्षा करो, हे द्वारिकाधीश मेरी रक्षा करो। और उसके बाद तो जो साड़ी बढ़ने लगती है, बढ़ते 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 कपड़ों का पहाड़ लग जाता है, पर वो साड़ी खत्म नहीं हो रही, थक जाता है दुशासन, सच में पहाड़ लग जाता है वहां कपड़ों का, पर वो साड़ी खत्म नहीं होती। अब इसके बाद भीम बड़े क्रोधित होते हैं, भीम कहते हैं कि आज मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि ये दुर्योधन जिसने द्रौपदी के लिए ऐसी बातें कही है, मैं इसकी छाती फाड़ कर इसका लहू पीऊंगा, और ये दुशासन जिसने द्रौपदी के वस्त्रों को हाथ लगाने की हिम्मत करी है, मैं इसके दोनों हाथ उखाड़ कर फेंक दूंगा। लेकिन ये सारी बातें बाद में, पहले वनवास होता है, वनवास होता है, वनवास के बाद वापस आते हैं, आकर अपना राज्य मांग रहे हैं। दुर्योधन कहते हैं युद्ध करो ले जाओ। अरे तुमने वचन दिया था कि तुम वनवास के बाद सब कुछ वापस कर दोगे, बोले लिखित रूप में कुछ है। इसीलिए देखिए ये सारी पहले की घटनाएं हैं जो अब हमें सीख देती है। इसीलिए आजकल हम हर चीज लिखित रूप में रखते हैं कि कौन अपने बात से मुकर जाए। दुर्योधन ने कहा मुझे कुछ याद नहीं कि मैंने देने का कोई वादा किया था, युद्ध करो ले जाओ। भगवान के पास पांडव जाते, देखिए पांडवों के पास एक ही सहारा है, उनको जब कोई परेशानी होती है वो सिर्फ एक व्यक्ति के पास जाते हैं, और वो है, इसीलिए उन्होंने हर अपनी जंग जीत ली। हमारी नजर में तो भगवान लास्ट ऑप्शन होते हैं, है कि नहीं? पहले बड़े बड़े सेठों से मिलो, लोगों को फोन करो, ये काम कर दो भाई, वो काम कर दो भाई, जब सब मना कर देंगे तब भगवान की याद आती है। पर पांडवों को सबसे पहले भगवान की याद आती थी। भगवान के पास जाते हैं, भगवान शांति दूत बनकर आते हैं, भगवान समझाने की कोशिश करते दुर्योधन को। दुर्योधन कहता मुझे कुछ याद नहीं, अरे मैं युद्ध के बिना सुई भर भूमि नहीं देने वाला, आप क्या बातें कर रहे हैं। अरे भगवान कहते राज्य मत दो, पांच पांडव को पांच गांव दे दो, इतना तो कर दो, वो तो कुछ नहीं दूंगा मैं। दुर्योधन ने कहा ये सब बातें छोड़िए, मैंने आपके लिए 56 भोग बनवाया है, आकर भोजन करते। भगवान कहते हैं भोजन किसी के यहां भी दो ही शर्तों पर करना, कौन सी शर्तें? पहली कि जो भोजन करवा रहा है उसके मन में आपके लिए बहुत प्रेम है, बहुत, यानी वो सच में चाहता है आप उसके घर भोजन करो तो कर लेना। दूसरी आपको बड़ी जोर की भूख लगी है, तब तो जहां मिल जाए वहां कर लो। भगवान कहते यहां दोनों ही चीजें मुझे नजर नहीं आ रही, ना तो मुझे इतनी भूख लगी और ना तुम्हारी आंखों में इतना सा भी प्रेम नजर आ रहा है, मैं तो विदुर जी के यहां भोजन करूंगा। अब विदुरानी यहां पर विदुर जी से कह रही है कि सुना है कृष्ण आया है, वो घर आ जाता तो। विदुर जी कहते राजा है, राजा से मिलने आया है, दासी पुत्र के यहाँ क्यों आएगा, अरे कोशिश तो करो। विदुर जी कहते ठीक है मैं जाता हूँ। विदुरानी ने कहा अगर कृष्ण को साथ लाओगे तो बाजार से कुछ खाने को भी लेते आना, घर पे कुछ नहीं है। ठीक है विदुर जी जाते, विदुर जी का जाना हुआ और भगवान का, भगवान दरवाजे पे खड़े होकर आवाज लगा रहे हैं, विदुर जी अरे कहाँ हो, अंदर नहीं बुलाओगे क्या? देखिए ये अपने लोगों की पहचान होती है, कोई पराया आपके, देखिए आजकल आवाजें तो इतनी नहीं देते, डोरबेल्स होते हैं, घंटियां होती है, तो आएंगे जो जो बड़े ही पराये से होते, चुपचाप खड़े रहेंगे, एक बार डोरबेल बजाएंगे, इंतजार करेंगे। और यही आपका कोई मित्र होगा तो
वो तब तक डोरबेल से उसका हाथ नहीं हटेगा जब तक गेट नहीं खुल जाता। ये अपनापन होता है कि उसको पता है कि आप गेट खोल के चिल्लाओगे नहीं कि भाई कैसी हरकतें कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है वो वैसा ही है। मित्र ऐसे ही होते हैं, तो भगवान भी आते ही जोर से चिल्लाने लगते, अरे कहां हो, अरे आजकल तो भूल ही गए, मिलने नहीं आते, ये नहीं करते, खूब बातें कर रहे हैं भगवान। विदुरानी जी कहती है, ये कौन आया है जो इतने अपनेपन से पुकार रहा है। विदुरानी बाहर आती है और साक्षात दरवाजे पर भगवान खड़े हैं। आइए हम भी प्रार्थना करते किस दिन हमारे घर भी आ जाए भोजन करने।